क्वेश्चन नंबर 8, गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड. अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. दे अग्री टू एडमिट दमन फॉर एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट. इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अभी यूज नहीं हो रहा, बाद में यूज होगा, बट स्टिल इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि दमन को कितना मिलेगा. हाँ, तो इक्वल क्या हो, उसका शेयर क्या होगा? इक्वल शेयर अगर चार पार्टनर्स हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 शेयर के लिए. इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए. फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. 4 ईयर्स एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर 131, ठीक है. 4 ईयर्स एवरेज, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर. नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, एवरेज 5 है. अब ध्यान से देखेंगे मजेदार पॉइंट. जब भी ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स हो, कैसी एडजस्टमेंट सर? ऑन 1st अप्रैल 2022 कार परचेज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मल्टीपल एडजस्टमेंट्स हैं. तो प्रेजेंटेशन वाइज आपको क्या करना चाहिए, जो ईयर्स हैं वो कॉलम में दिखाने चाहिए. बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगी आपके लिए, इजी हो जाएगा. ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं. ईयर एंडेड 31 मार्च है, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स है, पाँचों लेना है तो 2019 है. तो 2019 का मतलब क्या होता है, 1819, 1920, 2021, 21, 22, 22, 23. ये है 5 साल. अब प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000, 5,90,000. ओके, अब देखेंगे क्या होगा. ऑन 1st अप्रैल 2022 अ कार ऑफ फॉर ₹1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस. हुआ क्या, हमने गाड़ी खरीदी. अगर गाड़ी खरीदी तो एसेट में जाना चाहिए था, हमने गलती से उसको एक्सपेंस मान लिया. क्या मान लिया, एक्सपेंस, पूरा का पूरा खर्चा मान लिया. तो आपने जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा दिखा दिए या कम दिखा दिए? ज्यादा दिखा दिए. अगर एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए तो उस साल के प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे, गलत आ रहे होंगे. एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए, एक्सपेंसेस रिवर्स कर दो, एड बैक कर दो. क्या एड बैक कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवर्स कर दो. कितना है और कौन से साल में? 1st अप्रैल 2022 का मतलब होता है 2022-23. यस और नो? 1 लाख की गाड़ी खरीदी थी, ये क्लियर है? अब अगर आपने गाड़ी खरीदी थी और उसका एक्सपेंस मान लिया, एसेट नहीं माना, तो वो वाला तो हमने ठीक कर दिया. अब अगर वो एसेट है तो एसेट अब डेप्रिशिएट करेगा. यस और नो? एसेट अब डेप्रिशिएट करेगा. आप उसको एसेट मान रहे हो, पहले तो आपने एक्सपेंस मान लिया था, तो एसेट्स में वो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं होता. तो कहा कि एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस को पूरा रिवर्स करो. अब इसको आप एसेट मानो, एसेट को थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करेंगे. तो थोड़ा थोड़ा क्या है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर आना. तो क्या हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन. एसेट क्या है, ऑन कार. तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 25,000. तो उस पीरियड के एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे 25,000. क्लियर, पक्का? ठीक है जी, ये हो गया. इम्पोर्टेंट था, इसके दोनों एस्पेक्ट कवर. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर 22 एंड 23, 31 मार्च. तो 22 दिस एंड दिस,
इंटरेस्ट दिखा दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पे, तो क्या वो बिजनेस इनकम है? तो उसको भी माइनस करो, लेस कर देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितना इंटरेस्ट है? 10,000। तो 2 सालों में से 10,000 माइनस कर देंगे, ओके, एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। क्या है एडजस्टेड प्रॉफिट्स? 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, 590, मतलब फोर लॉस है ना, तो 490, 5 लाख, 525 का नेगेटिव फिगर। अभी तक कोई डाउट? अब ध्यान देखना, क्लोज करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 150 प्लस 350 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 525, 5 सालों का, डिवाइडेड बाय 5, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 4 ईयर्स परचेज, तो इनटू 4 एवरेज क्या निकली? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 17, 17, 17, 1175, 1175 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, 235 इंटू 3, 4 है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सॉरी हो जाते ना गड़बड़, इंटू 4, 9,40,000। गुडविल इज 9,40,000। मजेदार, इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट काफी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आगे जाके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, इंपॉर्टेंट।